इनवाइट करना चाहूँगा शेख एजाज साकिब उमरी साहब से, जो कि रियाज मूसा मलबारी साहब के शागिर्द हैं, उनके स्टूडेंट हैं, और वो ज़िम्मेदार है दावा टीम के जामिया दारुस्सलाम उमराबाद के। तो माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त काम को अंजाम दे रहे हैं, पूरी हिंदुस्तान में घूम फिर कर गली कूचों में जाकर इस्लाम के दीन की दावत खुद भी पहुँचाते हैं और लोगों को तैयार करते हैं कि वो भी इस दावत को पहुँचाए। तो मैं और ये एजाज उमरी साहब जो हैं वो KDCA के एडवाइजरी बोर्ड पर है, कर्नाटका दावा सेंटर्स एसोसिएशन के एडवाइजरी बोर्ड पर है। तो जज़ाकल्लाह खैर शेख, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इंशाल्लाह 10 मिनट में अपनी बात ख़त्म करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहू व नसल्लि अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبما رحمة من الله لنت لهم। رحمة للعالمين के मौजू से मुतालिक कुछ बुनियादी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि सब लोग यहाँ जो जुड़े हुए हैं सबका दावत से ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखलूक के हिस्से से पेश किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम मखलूक हैं जिनके अंदर जितनी सिफात थी सब अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा थी। लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह खुदा के अंदाज़ में पहचानने की कोशिश की, इसलिए वो लोग गलती पर है। जिन्होंने भी अम्बिया के साथ गुलू किया वो नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के साथ गुस्ताखी की है। अहले किताब ने अम्बिया के साथ गुलू किया तो नुकसान ये हुआ कि उन्होंने नऊज़ु बिल्लाह अम्बिया अलैहिस्सलाम को खुदा के बराबर समझा। यह इस्लाम का एहसान है कि इस्लाम ने शुरू से ही वाज़े कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जितनी भी खूबियां हैं रहमत के हैसियत से, जितनी भी खूबियां हैं सब के सब अल्लाह तबारक व तआला के दाखिल करदा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक लंबे प्रोसेस के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नरम बनाया। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग गलती से अपना हरीफ समझते हैं। हकीकत में यह समझना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत अल्लाह तबारक व तआला के दीन की नुमाइंदगी की है। आप अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे गए रसूल हैं, आपके अंदर जो रहमत है वो अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ है, और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो भी सिफात दिए हैं वो एक लंबे प्रोसेस के साथ, मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शक़ सदर का वाकिया किया, यानी जिसके ज़रिए से इंसान के नफ्स की तस्किए हो, अल्लाह तबारक व तआला इस रास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना अच्छा तस्किया कर दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना सय्यिदु वुल्दी आदम वला फ़ख्र, मैं पूरे बनी आदम का सरदार हूँ मगर उस पर कुछ मुझे फ़ख्र नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहसत अल्लाह तबारक व तआला का इंतज़ाम है इंसानियत के लिए क़ियामत तक के लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोग इस्लाम कबूल करने लगे, लोग उन पर जुल्म करने लगे, रद्द अमल में लोग खड़े होने के लिए तैयार थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर कह कह करके सब्र करो सब्र करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ऐसी तरबियत कर दी कि उनके उस सब्र का फ़ायदा है कि आज हम सब मुसलमान हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर जो रहमत का पहलू था उस पहलू पर उन्होंने काम किया। रद्द अमल में लोग चाहते, मक्के में ऐसा नहीं था कि लोग जवाब देने वाले नहीं थे, कोई किसी पर जुल्म करता तो सिलसिलावार खानदान खानदान सदियों जुल्म का जो है बदला लिया जाता। ऐसे कौम के दरमियान इस्लाम को पेश किया, उन्होंने जब उन पर जुल्म किया लोगों ने, उसके रद्द अमल में जब लोग उठने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फली रसबी का फसबीर, तुम अपने रब के लिए सब्र कर लो। उनका सब्र था कि आज हम मुसलमान हैं, और क़ियामत तक उनकी रहमत का हम जलवा देखते रहेंगे। क़ियामत तक आने वाले बड़े बड़े फितने का भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी कहलवा दिया, तुम्हारे सामने बड़े बड़े फितने आएंगे, तुम आगाह रहो, सब्र के साथ काम लो, अल्लाह तबारक व तआला की दीन को क़ियामत तक हमें ले जाना है।
ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एहसान किया वो अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ था। मैं यही बात सबके सामने रखना चाहता हूँ, वरना लोग समझ जाएंगे जैसे अहले किताब ने अपने नबी को अपनी नबी की शान के लिए स्टेज सजाए, मुसलमानों ने भी ऐसा सजाया है। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन स्टेजों का मोहताज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तरफ से बनाया है और अल्लाह तबारक व तआला उनकी शान की हिफाजत खुद करेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू हाफिज़ून। अल्लाह तबारक व तआला की सारी तालीमात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी दुनिया में आई है, सारी चीज़ें महफूज हैं। इसका कोई बिगाड़ नहीं पैदा कर सकता, इसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। हम सब लोगों को इस पर एतमाद के साथ चलना चाहिए। एक और बात खत्म करना चाहता हूँ, मैदान से मुताल्लिक एक बात। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब के बारे में फरमाया, यारिफूनहुम कमा यारिफूना अबनाअहुम, अपने बच्चों को जैसा वो पहचानते हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसा पहचानते हैं। लेकिन हम देखते हैं किसी भी ईसाई से पूछ के देखिए कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं, बोलते नहीं। इतना बड़ा झूठ पूरी दुनिया जानती है। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम गवाह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहले किताब को यकीन है। अपने बच्चों पर जैसा भरोसा होता है, अपने बच्चों को जैसा पहचानते हैं वैसा वो पहचानते हैं, लेकिन हम और आपको धोखा देते हैं और झूठ कहते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे वो भरोसा करते हैं, उनका ये मानना है, क्योंकि दावत से मुतालिक बातें आपके सामने आ रही हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक भी बात है, उससे मुतालिक एक फ़ायदा मैं आपको देकर अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। उनका ये मानना है, अहले किताब का ये मानना है कि क़ियामत तक आने वाले सारे वाक़ियात बाइबल में मौजूद हैं। ये इनका एतिक़ाद है, लौहे महफूज जैसा इनका अकीदा है कि बाइबल में क़ियामत तक होने वाले सारे वाक़ियात की तफसीलात है। यहाँ तक कि उनका यह दावा है कि तुम्हारा नाम भी उसके अंदर है, मेरा नाम भी अंदर है और मेरे घर में जो पकता है वो भी उसमें है, और ईरान में, इराक में, अफगान में जो भी वाक़ियात होते हैं सब उसमें मौजूद है। यानी क़ियामत तक होने वाले सारे वाक़ियात बाइबल में मौजूद है, ये उनका मानना है। अगर आप उनसे मोहब्बत के साथ पूछ ले और एतमाद के साथ पूछ ले और उनको यकीन दिलाए कि तुम्हें भी अल्लाह के पास जवाब देना है, मुझे भी अल्लाह के पास जवाब देना है, ईरान का वाकिया बाइबल में है, मेरा नाम बाइबल में है, घर में पके हुए सामान का नाम बाइबल में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बाइबल क्या कहता है, कि बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इतना बड़ा झूठ, तुम्हारा नाम बाइबल में है, हमारे जैसे लोगों का नाम बाइबल में है और क़ियामत तक होने वाले सारे वाक़ियात बाइबल में है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बाइबल कुछ नहीं कहता, ये सबसे बड़ा झूठ है जिसको लोगों में बताया जा रहा है और इस मौजू को छुपाया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला सारे ही इंसानों को इस्लाम से नवाज दे, सच्चाई की तरफ सबको बढ़कर दिल से लगाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकअल्लाह खैर शेख एजाज़। शेख एजाज़ ने हमारे टाइम के कंस्ट्रेंट को बहुत सीरियसली देखा और 3 मिनट हमें बख्श दी। माशाल्लाह, बारकल्लाह फ़ीक।